नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरे बनाए हुए संधि प्रकरण के वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। आपने उनको देख करके पढ़ाई की होगी, समझा होगा उनको, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। खासकर आरपीएससी की जो एग्जाम्स होते हैं, आरपीएससी की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके अंतर्गत उन प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो उन्हीं प्रश्नों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिनमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रक्रिया को, और उम्मीद करते हैं कि वो आपके भविष्य को सुनहरा बनाने में योगदान दे। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, ब पावक, स अभ्युदय और द मतैक्य। ठीक है, मैंने आपको संधियों की पहचान बताई थी, स्वर संधि की पांच जो संधियां हैं उनकी मैंने आपको पहचान बताई थी। जरा देख के बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण उसके ऊपर सटीक बैठ रहा है। महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतैक्य। देखिए यहाँ जो ये पावक शब्द है, सीधा सीधा दिया हुआ है, इसमें आव शब्द आ रहा है, तो आव आ रहा है मतलब ये कौन सी हो गई, अयादि संधि। ठीक है, अभ्युदय आधा वर्ण प्लस य, कौन सी संधि है, यण संधि। और दो मात्राएं, यहां हमें दो मात्राएं दिख रही है, ये वृद्धि संधि। हमारा उदाहरण कौन सा बचा, महर्षि, महा धन ऋषि, यहाँ आ का लोप हो गया, रीज में जुड़ा तो ये किसमें बदल गया, अर में। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, उत्तर नंबर अ, महर्षि। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण नहीं है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ऐसा भी प्रश्न देता है कि आपको तीन उदाहरण उसी संधि के दे देगा और एक उदाहरण अलग दे देगा। तो आपको अच्छी तरह प्रश्न को पढ़ना है, और अच्छा परीक्षार्थी वही होता है जो प्रश्न को अच्छी तरह पढ़कर, उदाहरणों को, विकल्पों को पढ़कर के जो उत्तर है वो देता है। ठीक है, यण संधि का उदाहरण नहीं है। कई बार बच्चे प्रश्न पढ़ने में गड़बड़ी कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, और इस वजह से उनका आंसर भी गलत हो जाता है। अगर मैं इस प्रश्न का ऐसे पढ़ूं, यण संधि का उदाहरण है, नहीं को मैं खा दू, नहीं को मैं भूल दू, नहीं को मैं छोड़ दू, तो फिर अभ्यावेदन हम पहले आंसर को देखते ही टिक मारेंगे, पहले उदाहरण को देखते ही टिक मारेंगे और हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा है ये, कि कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पहला है हमारा विकल्प अभ्यावेदन, दूसरा है विकल्प स्वागत, तीसरा है स्त्री उपयोगी और चौथा है स्वाधीन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, पहला अभ्यावेदन, दूसरा स्वागत, फिर स्त्री उपयोगी और स्वाधीन। पहचान हमें दिख रही है यहाँ कि भ धनी य, यानी आधा वर्ण प्लस य है, ये यण संधि का उदाहरण है, आधा वर्ण और व है, ये भी यण संधि का उदाहरण है, आधा र और य स्त्री यु, ठीक है, आधा वर्ण और य, ये भी यण संधि का उदाहरण है। हमारे पास है स्वाधीन, यहाँ पर स्वाधीन शब्द हमें दिख रहा है, अगर आप इसका विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, स्वधन अधीन। आप इसे ऐसे करने का प्रयास करेंगे, सुधन अधीन, लेकिन अधीन शब्द जो होता है ये अशुद्ध होता है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, स्वधन अधीन। यहाँ अगर आप सु का संधि विच्छेद करते हैं तो ये सुधन अ हो सकता है, सुधन अ यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये अधीन शब्द ही हमारा शुद्ध होता है, इसलिए इसका जो संधि विच्छेद होगा वो स्वधन अधीन होगा, और ये यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण ये है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, उपयुक्त का संधि विच्छेद है, उपयुक्त का संधि विच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है, शब्द शुद्धि में भी आया हुआ है ये, और संधि विच्छेद में भी आया हुआ है।
विकल्प नंबर आ है हमारा ऊपर धन उक्त, ब है ऊपरी धन युक्त, स है हमारा उपहार धन उक्त और द है हमारा ऊपरी धन उक्त। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पहला हमारा जो विकल्प है वो है ऊपर धन उक्त, फिर है ऊपरी धन युक्त, स है उपहार धन उक्त और द है ऊपरी धन उक्त। चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ पर ऊपर धन उक्त व्यंजन धन भी हो गई, ये हमारा उदाहरण गलत हो गया, ठीक है। ऊपरी धन युक्त ये भी हमारा गलत हो गया, उपहार धन उक्त ये भी गलत है, हमारा उत्तर होगा ऊपरी धन उक्त। क्यों हुआ? यहाँ पर छोटी की मात्रा है, छोटी को हमने बदला य में, ये उ हमारा जुड़ा इसमें और र जो है वो आधा रह गया, कहाँ चला गया? ऊपर। हमारा उत्तर क्या हुआ? ऊपरी युक्त, ठीक है, यानी ऊपर दी हुई बात को युक्त करते हुए, उक्त करते हुए। फिर है किस पद में संधि व समास दोनों है। जब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी तब मैंने आपसे ये भी बताया था कि कुछ उदाहरण ऐसे आते हैं जिनके अंदर एग्जामिनर संधि और समास दोनों के बारे में चर्चा करता है, दोनों के बारे में पूछता है वो कि इनमें से कौन सा पद ऐसा है जिसमें संधि कार्य भी किया गया है और समासिक कार्य भी किया गया है। तो किस पद में संधि व समास दोनों है आपको बताना है। जीवन मरण, यहाँ पे संधि कार्य हो ही नहीं रहा, हमारा सीधे सीधे समास है। पंच तत्व, यहाँ पर भी क्या है बताइए? समास है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं हो रहा है। नीलाकाश, ये हमारा उत्तर सही है। और क्यों सही है? क्योंकि इसमें संधि कार्य भी हो रहा है और सामासिक कार्य भी। कैसे? नील धन आकाश, यहाँ पर दोनों का संधि कार्य हो रहा है, यहाँ का आ और यहाँ वाला आ दोनों मिलके आ हो रहे हैं और क्या हो गया ये नीला काश। हमारा उत्तर क्या है? नीला काश, नीला है आकाश। फिर हम हमारा विद्यालय शब्द में है, विद्यालय शब्द में है ना, यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा है ना, यहाँ पे संधि कार्य वो पूछा गया है। हमें क्या पूछा गया कि इस शब्द में कौन सी संधि है, स्वसंधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। पहला विकल्प है हमारा स्वर संधि, दूसरा विकल्प है हमारा व्यंजन संधि, तीसरा विकल्प है हमारा विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? विद्यालय, विद्या धन आलय, ये हमारा संधि विच्छेद हुआ और इसका उत्तर क्या होगा? आ, विद्या का आ और आलय का आ मिलके क्या बन रहे हैं? आ। उत्तर हुआ हमारा विद्यालय का स्वर संधि का उदाहरण है और स्वर संधि में भी ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद है अ प धन वन, ब पव धन अन, स पो धन अन या द पव धन न। बताइए। अयादि संधि का ये उदाहरण है और अयादि संधि की पहचान क्या है? अव, आम, आय या आय। तो हमारे पास यह क्या आ रहा है? अव। तो अब हमको किस प्रकार परिवर्तित होता है? यदि ए होता है तो हम उसे अय करते हैं, आई होता है तो हम उसे आय करते हैं, ओ होता है तो हम उसे अव करते हैं और अव होता है तो हम उसे आम करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? अव। तो अव को हम जो दिया हुआ है वो किस में परिवर्तित करेंगे? ओ में। क्यों? हमारे पास संधि शब्द है, हमारे पास संधि विच्छेद यहाँ नहीं है। तो हमको क्या करना है देखिए जरा, हमें ओ बनाना है किसे? अब को। क्या यहाँ पर हमें ओ दिख रहा है? नहीं। क्या यहाँ हमें ओ दिख रहा है? नहीं। क्या यहाँ हमें ओ दिख रहा है? नहीं। एक ही उदाहरण है जिसके अंदर हमें ओ दिख रहा है तो हमारा उत्तर वही विकल्प होगा। आगे है किस शब्द में गुण संधि है, किस शब्द में गुण संधि है। गुण संधि की पहचान मैंने आपको बताई थी कि आप देखते ही पहचान सकते हो, एक मात्रा और एक मात्रा, ठीक है। नारीश्वर नहीं क्योंकि इसमें एक मात्रा नहीं है। सिंधूर्मी नहीं क्योंकि यहाँ पर ई है और यहाँ पर ऊ है, तो ई बड़ी ई और बड़ी ऊ और आ किसकी पहचान है? स्वर संधि में दीर्घ संधि की पहचान है, ठीक है। महेश्वर्य दो मात्रा है, किसकी पहचान है? वृद्धि संधि की। लास्ट आता है भारतेंदु,
एक मात्रा, इसका संधि विच्छेद होगा भारत धन इंदु, यहाँ का अ और ई मिलके क्या बन जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है एक एक में कौन सी संधि है, एक एक में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि, बताइए। आपको देखते ही पहचानना है शब्दों को कि कौन सी संधि है। सबसे पहले देखिए यहाँ दो मात्रा है, दो मात्रा है किसकी पहचान है, क्या दीर्घ संधि की पहचान है? नहीं, क्योंकि आ, ई और उ ये हमारे दीर्घ संधि की पहचान है। जड़ संधि की पहचान आधा वर्ण प्लस य या व या फिर र। फिर गुण संधि की पहचान एक मात्रा और वृद्धि संधि की पहचान दो मात्रा है। हमारा उत्तर हुआ द। अगला प्रश्न है भानुदय में कौन सी संधि है। भानुदय हमें क्या दिख गया यहाँ, बड़े उ की मात्रा, तो बड़ा उ कौन सी संधि की पहचान है, क्या यण संधि की है? जी नहीं, क्योंकि यण संधि की पहचान हमारी क्या है, आधा वर्ण प्लस य व। ठीक है, फिर गुण संधि एक मात्रा, दीर्घ संधि एक ही परिवार के स्वरों का जब मेल होता है और हमें उसी परिवार का स्वर प्राप्त होता है तो वहां कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। भानु धन उदय, बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलके क्या बन गए, बड़ा उ बन गए, तो एक ही फैमिली के लोग जब होते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा प्रेक्षण शब्द से बना है, प्रेक्षण शब्द बना है, विच्छेद पूछ लिया इसने, अब इसमें विच्छेद का कहीं उल्लेख ही नहीं दिया इसने, इसने सीधे सीधे क्या दे दिया, प्रेक्षण शब्द बना है। प्रेक्षण शब्द का निर्माण जो हुआ है वो कौन कौन से शब्दों से हुआ है ये पूछ रहा है। प्रेधनषण, जी नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्वर है और यहाँ क्या है व्यंजन है, दोनों किस में चले गए हमारे, व्यंजन संधि में चले गए, जबकि ये उदाहरण किसका है, स्वर संधि का है। प्रधन रीक्षण, बिल्कुल नहीं, कोई संधि का भी नहीं हो रहा है। प्रधन एक क्षण, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि प्रधन एक क्षण यहाँ पर अई दिया हुआ है और अ और अई मिलके क्या बन जाते हैं, अई बन जाते हैं, यानी यहाँ पर दो मात्राएं होनी चाहिए। क्या ये शब्द सही है? जी नहीं, ये शब्द अशुद्ध है। हमारे पास अंतिम विकल्प बचता है प्रधन ई क्षण, तो यहाँ पर अ और ई मिलके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है, विकल्प द, विकल्प द प्रधन ई क्षण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण शब्द बना है। ठीक है, देखते ही पहचानिए संधि को, कौन सी संधि है, कौन सी संधि है ये, आदत धन यण संधि का उदाहरण है हमारा, सीधा सीधा पहचान में आ रहा है यण संधि का उदाहरण है। अब इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है, अर्थात हमें इसका संधि विच्छेद पहचानना है। ठीक है, प्रत्यधन अर्पण, प्र धन व्यर्पण, प्रति धन अर्पण या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आपने वीडियोस को अच्छी तरह पढ़ा होगा, अच्छी तरह समझा होगा, तो आप इन प्रश्नों को देखते ही इनके उत्तर बता सकते हैं। फिर भी परीक्षार्थियों की मैंने आपको पहचान बताई थी, अच्छा परीक्षार्थी वही होता है जो प्रश्न को पूरी तरह पढ़ता है, समझता है, विकल्पों को पूरी तरह पढ़ता है, चारों विकल्पों को अच्छी तरह देखता है, परखता है, उसके बाद अपना उत्तर देता है। फिर भी आइडिया तो लग जाता है इस चीज का कि कौन सी संधि का उदाहरण ये हो सकता है। ठीक है, तो क्या है प्रत्यधन अर्पण, जी नहीं ये नहीं होगा। फिर प्रधन व्यर्पण, जी नहीं ये भी नहीं, क्योंकि यण संधि में स्वरों का मेल होता है, यहाँ अगर आप मेल करते हैं तो प्रत्याधन अर्पण, प्रत्यार्पण हो जाएगा ये, और यहाँ पर अ का अगर डंडा लग जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रतिधन अर्पण, ये हमारा उदाहरण सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई में से हमने छोटी ई निकाल लिया। ठीक है, ये छोटी ई हमारा किसमें परिवर्तित हुआ, य में, यहाँ तो आधा रह गया और य में अ जुड़ करके शब्द को पूरा कर दिया, क्या हो गया प्रत्यर्पण। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है पहचान एक मात्रा, नृपाल, जी नहीं, यहाँ आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। विवर्जन, तो यहाँ पर जय का स्क्वायर आ रहा है, जय का स्क्वायर अर्थात व्यंजन संधि। फिर महेश्वर्य, दो मात्राएं अर्थात वृद्धि संधि,
साहित्योन्नति, साहित्योन्नति ये एक मात्रा अर्थात हमारी गुण संधि। अगर इसका विच्छेद करते हैं आप तो साहित्य धन उन्नति, यहाँ का अ यहाँ का उ दोनों मिलके क्या हो जाएंगे ओ, ये हमारा ओ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है, किस विकल्प के अंदर संधि विच्छेद सही दिया गया है आपको वो पहचानना है। षट धनमुख षणमुख, चतुः धनपाल चतुर्पाल, गोधन इंद्र गोवेंद्र और शिशु धन एक्य शिशुवेक्य। बताइए जल्दी से कौन सा उदाहरण कौन सा विकल्प इनमें से सही है। इसमें से हमारा सही विकल्प, देखिए हम प्रत्येक विकल्प को अच्छी तरह देखते हैं। षट धनमुख, यहाँ पर ये संधि विच्छेद ही गलत दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट आधा होता है और जब ये परिवर्तित होता है तो यहाँ पर पंचम अक्षर होता है। षणमुख ये ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पर ट आधा है और ट के बाद भी क्या हो रहा है, म आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है, तो ये इसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर म दिया हुआ इसलिए इसमें परिवर्तित जाएगा इसी वर्ग के पांचवे वर्ण में, क्योंकि ये अधूरा है ये आधा इसलिए ये भी यहाँ आधा ही होगा। क्या हो गया? षणमुख। फिर देखिए चतुः धनपाल, विसर्ग संधि का नियम ये कहता है कि यदि ऊ स्वर है या इसके बाद में यदि प आता है, इसके साथ में विसर्ग है और प आता है, तो विसर्ग मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा इसका उदाहरण क्या होगा, इसका सही क्या होगा, ये चतुष्पाल। ठीक है, फिर है हमारा उदाहरण गोधन इंद्र, गुण संधि का उदाहरण है, तो यहां पर ये जो है हमारा आयादि संधि का उदाहरण है, गो ओ आ रहा है, तो यहां पर ओ क्यों आएगा, क्योंकि हमारा ये तो व में परिवर्तित हो गया ना, तो क्या होगा, ग में से हमने ओ निकाला तो ग आधा रह गया। ठीक है, अब ग अ उसमें जुड़ा और ये क्या हो गया, व और व के ये क्या हो गया, गवेंद्र, क्या हो गया, गवेंद्र। ठीक है, फिर शिशु धन एक्य, शिशु धन एक्य यहाँ ओ है यहाँ आई है, दोनों मिलके क्या हो गए, ऊ को किसमें बदला हमने आधे व में, आई किसमें जुड़ा, क्या हो गया, दो मात्रा वाला वही, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, शिशुवैक्य। उत्तर क्या हो हमारा सही, शिशुवैक्य। ठीक है, सही संधि विच्छेद आपको पहचानना था इसके अंतर्गत, तो हमारा सही संधि विच्छेद कौन सा है, यहाँ शिशु धन एक्य शिशुवैक्य, कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न कहता है उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद है, उच्च धन आरण उच्च धन चारण उच्चाधन रण या उत्तधन चारण, च का स्क्वायर आ रहा है यहाँ, च का स्क्वायर यानी पहले च को त में बदलो दूसरे च को ऐसे कैसे लिखो, बताया था आपको मैंने व्यंजन संधि के जब नियम पढ़ाए थे तब मैंने आपको समझाया था कि च का स्क्वायर ज का स्क्वायर ट का स्क्वायर द का स्क्वायर और न का स्क्वायर यदि आता है तो पहले वाले त त ज च न या जो भी द्वितीय द्वितीय व्यंजन आ रहे हैं उन व्यंजनों को हमें किसमें बदलना है, पहले वाले जो आधा है हमारा उसको हमें त में परिवर्तित करना है आधे त में और बाद वाले को हमें वैसे के वैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए इस पहले वाले च को हमने किसमें बदला त में और दूसरे वाले को ऐसे के ऐसे लिख दिया, तो ये गलत हो गया ये गलत हो गया ये गलत हो गया क्योंकि तीनों में त को कहीं नहीं दर्शाया गया, तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, विकल्प नंबर द उत्तधन चारण उच्चारण। अगला है वृक्षच्छ छाया का संधि विच्छेद है, वृक्षच्छ छाया का संधि विच्छेद क्या होगा, वृक्ष धन छाया वृक्षच्छ धन छाया से है आपका वृक्ष धन छाया या वृक्ष धन छाया। ठीक है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा इनमें से। चलिए हम प्रत्येक विकल्प को देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है वृक्ष धन छाया कि क्या ये सही है, जी नहीं ये सही नहीं है क्योंकि यदि विसर्ग के बाद में तालव्य व्यंजन आता है
तो वो विसर्ग तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है। छ क्या है हमारा? तालव्य व्यंजन है, तालव्य वर्ण है, तो तालव्य वर्ण यदि होता है तो हमारा विसर्ग इसमें चेंज हो जाता है तालव्य श में, और यहाँ क्या है? च। विक्षित चिदन छायां, जी नहीं ये गलत है, कोई संधि है ही नहीं ऐसा संधि का नियम। फिर वृक्ष धन छाया सही है, क्यों? क्योंकि अ के बाद में क्या आ रहा है? छ आ रहा है, अ के बाद में छ आ रहा है, और यदि ऐसा होता है तो वहां पर आधे च का आगम होता है, आधे च का आगम होता है, ठीक है। तो हमारा विकल्प यहाँ सही है, यहाँ पर संधि के स्थान पर क्या आएगा? आधा च। वृक्षधन छाया ये गलत है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और प्रश्नों की और, प्रश्न 15 हमारे हो चुके हैं, आगे और कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं है? किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है। इस नहीं की वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कई बार ये नहीं दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि उस समय हम इतने टेंस होते हैं, इतने तनाव में होते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन हमारा सही जाएगा या नहीं, आंसर हमारा सही जाएगा या नहीं, प्रश्न पता नहीं किस कहां से आया है कहां से नहीं आया है। तो इसीलिए हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इसमें दिया हुआ है किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। इसका विकल्प नंबर 1 है किम प्लस वा किन्वा, अभी धन से अभिषेक, सम धन तोष संतोष, और राम धन आयन रामायण। इसमें से आपको गलत विकल्प छांटना है, अर्थात जिसमें संधि विच्छेद सही नहीं दिया हुआ है, गलत संधि विच्छेद दिया हुआ है, आपको उसका चयन करना है। तो देखते हैं शुरू से, किम धनवा किन्वा सही है, म को अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया गया, अभी धन से ई के बाद में यदि स वर्ण आता है तो स को मूर्धन्य श में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी हमारा सही है। सम धन तोष, वही हमारा जो म है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, ये भी सही है। राम धन आयन, राम धन आयन हमारा ये विकल्प गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि रामायण का संधि विच्छेद राम धन आयन होता है, ठीक है। तो यहाँ वाला अ और यहाँ वाला अ दोनों मिलके आ हो जाते हैं, और एक तरीके से देखें तो ये व्यंजन संधि का भी उदाहरण है, क्यों है? क्योंकि यह जो न है ये भी परिवर्तित हो रहा है अणे में, किसमें परिवर्तित हो रहा है? अणे में। तो इस परिवर्तन के कारण इसे व्यंजन संधि में लिखा जाता है। अगर व्यंजन संधि और स्वर संधि दोनों ही आपके विकल्प में आते हैं तो आपको स्वर संधि की दीर्घ संधि को ज्यादा महत्व देना है, ठीक है। और यदि स्वर संधि है ही नहीं उसके अंदर तो आप व्यंजन संधि इसका उत्तर कर सकते हैं। अगला उदाहरण, अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये कहता है कि उद्धरण का क्या? उद्धरण का संधि विच्छेद है, उद्धरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? सही ढूंढना है आपको, उद्धन धरण, उद्ध धन रण, उद्ध धन हरण, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं, उद्ध धन धरण, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपको ये आ गया तो ये गलत है, क्योंकि विकार ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, यहाँ विकार का नाम ही तो संधि है, तो यहाँ तो विकार ही उत्पन्न नहीं हो रहा। उद्धन रण, जी नहीं ये गलत है, हमारा उत्तर है उद्धन हरण, त को द में और ध को ध में परिवर्तित कर देते हैं, व्यंजन संधि का नियम, यदि त के बाद में ह आता है तो त तो द में परिवर्तित हो जाता है और ह ध में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा उत्तर नंबर कौन सा इसका? स। अगला है हमारा आशीर्वाद का संधि विच्छेद है, ये शब्द जब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि पढ़ाते समय मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका, आशीर्वाद शब्द का, मैंने आपसे कहा था कि ये जो शब्द है ये शब्द आपके संधि विच्छेद में भी आता है, संधि में भी आता है, शब्द शुद्धि में भी इसको प्रयोग जो है वो काम में लिया जाता है, कई बार वाक्य में भी आता है कि इस आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद शब्द जो है शब्द शुद्धि की दृष्टि से, संधि की दृष्टि से और संधि विच्छेद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद है आशी धनवाद, आशीर् धनवाद, आशीर् प्लस वाद और आशी धनवाद, बताइए कौन सा उत्तर है? अभी अभी मैंने आपको बताया कौन सी संधि का उदाहरण है,
विसर्ग संधि का उदाहरण। पहला विकल्प हमारे पास में दिया हुआ है आशीष धन्यवाद, यहाँ जो विसर्ग है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, र में, स्वर रहित र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर य र ल व में से कोई अंतस्थ व्यंजन दिया हुआ होता है, तो ये हमारा विसर्ग जो है वो र में परिवर्तित हो जाता है। नमस्ते का संधि विच्छेद है, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद है। नमस् धनते, नम धनते, नमः धनते या नम धनते, बताइए इसका उदाहरण, इसका सही विकल्प, सही उत्तर कौन सा है, सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो हमारा ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि में क्यों है? क्योंकि नमः विसर्ग के पहले क्या है, अस्वर है, और विसर्ग के बाद क्या है, त, तवर है। तो दंत्य वर्ण आ रहा है, इसलिए हमारा जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, दंत्य स में। तो हमारा उत्तर होगा स, नमः धनते नमस्ते। अंतिम प्रश्न है हमारा, पुनः धन जन्म से बना शब्द है, पुनः धन जन्म से बना शब्द है, पुनर्जन, पुनश्जन, पुनश्जन्म या पुनर्जन्म, बताइए। ये तो हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई मेल ही नहीं हो रहा है। पुनश्जन्म क्यों? ये क्या है, तालव्य ज, तालव्य वर्ण है, और यहाँ पर क्या आ गया, तालव्य श। फिर यहाँ पर भी वही चीज है, पर यहाँ क्या आ गया, मूर्धन्य श। अब यहाँ पर है पुनर्धनजन्म, क्या हो गया, पुनर्जन्म। हमारा ये उत्तर सही है, पुनर्धनजन्म क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके संधि प्रकरण से संबंधित, जिनमें स्वर संधि की पांचों संधियां, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के कुछ प्रश्न मैंने इसमें सम्मिलित किए थे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए और आपके लिए सहायक सिद्ध हो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि आपको नए से नए वीडियो जल्द से जल्द मिलते रहे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।